सैमसंग अपना फोन लॉन्च करने वाला है 2020 में जनवरी में, और इसका डेट जो है ऑलमोस्ट 14 से 15 तारीख को आ गया है, और फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31। ये फोन जल्द ही लॉन्च होगा, तो इसकी वैसे भी सैमसंग बहुत अच्छी से तैयारी कर रहा है फोन लॉन्च करने की, ठीक है। और ये फोन जो रहने वाला बेसिकली मिड रेंज स्मार्टफोन रहने वाला है। जानते हैं इस फोन के लिए क्या क्या है, इस फोन में एक्चुअल में डिस्प्ले क्या है, बाकी सब स्पेसिफिकेशंस। मेरा नाम है भूषण और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, प्लीज 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 बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। जानते हैं डिस्प्ले क्या है इस फोन में एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो पूरे है ये एक्चुअल में रूमर्स है, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन ये ही रहने वाले हैं, ऐसे भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो 6.4 इंच की डिस्प्ले है, 1080x2280 की इसमें डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि फुल 80 प्लस डिस्प्ले है बेसिकली। वाटर ड्रॉप नॉच रहेगा, मिड रेंज स्मार्टफोन में आजकल वाटर ड्रॉप नॉच बहुत कॉमन हो गई है, तो वाटर ड्रॉप नॉच जरूर रहेगा। रैम की बात की जाए तो रैम जो रहेगी वो रहेगी 4GB और 6GB के दो वेरिएंट के साथ आएगी, जिसकी इंटरनल स्टोरेज सेम रहने वाली है जो कि 64GB, और आप इसको एक्सपांड कर पाओगे ऑलमोस्ट 512GB तक, कम है बेसिकली। मेरे हिसाब से मेरा फोन 2GB तक सपोर्ट करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बात की जाए कैमरा की तो ट्रिपल रियर कैमरा मॉडल आपको इसमें मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिल जाएगा, उसके बाद में आपको मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड वाला 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर, और दूसरा जो रहेगा 5 मेगापिक्सल का बूके इफेक्ट के लिए, तो ये भी अच्छा है। और फ्रंट में जो रहेगा आपको वाटर ड्रॉप नॉच में जो आपको कैमरा मिलने वाला है वो रहने वाला है 16 मेगापिक्सल का, तो वो भी काफ़ी अच्छी पिक्स लेता है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाएगा 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक्सिनॉस की तरफ से, सैमसंग एक्सिनॉस पे ही काम कर रहा है बेसिकली ऑलमोस्ट 2019 से, तो आपको यही मिलेगा, जो कि क्लॉक ट्रैक ऑलमोस्ट 2.3 GHz पे। अभी तक ग्राफिक प्रोसेसर की कोई भी खबरदारी नहीं है, देखना पड़ेगा जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ग्राफिक प्रोसेसर इसमें आता है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 4400 mAh की, और ये जो बैटरी रहेगी सपोर्टेड रहेगी फास्ट चार्जिंग के लिए, तो इस फोन में फास्ट चार्जिंग आपको जरूर देखने मिलेगा, यानी मिड रेंज स्मार्टफोन में भी अब आपको बिल्कुल भी मिलने वाला है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इस फोन में आपको मिलेगा आपको USB टाइप सी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, हाँ वाईफाई जो है आपको मिल जाएगा 5 GHz तक सपोर्टेड। तो अब देखना ये है कि 5 GHz तक सच में मिलता है या नहीं, बट जैसे कि लीक है, रूमर्स है, तो इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा इस पर 10.0 यानी Android 10.0 Android Q, और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 4GB की ऑलमोस्ट 13,999 है, और 6GB की है 14,999। ज़्यादा फर्क नहीं है, दो वेरिएंट लॉन्च हो गए बिल्कुल। और अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपको 14 तारीख तक बिल्कुल इसको वेट करना ही चाहिए। अगर आपको नया कोई फ़ोन लेना है सैमसंग का और आप बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो सैमसंग के, तो बिल्कुल आप ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हो। या फिर जितने भी आप अगर 2019 में ए सीरीज के फोन या एम सीरीज के फोन अगर आप देखते हो, वो भी वन ऑफ द बेस्ट फोन है सैमसंग की तरफ से 2019 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा नाम है भूषण, बिल्कुल सब्सक्राइब और शेयर कर देना और लाइक ठोक देना है, बिल्कुल ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सा फोन है सैमसंग का जो आप यूज कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस क्या है। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, गुड नाइट, टेक केयर।